उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी लगातार दूसरे दिन भी चली और मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार दूसरे दिन कई घंटों तक ये बैठक चली है, बैठक में क्या सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है? आज भी कई घंटों चली और कल तो मैं समझता हूँ कि रात के 12:30 बजे तक बैठक चली और इसका सुखद परिणाम इस रूप में है कि हमने 70 की 70 विधानसभाओं में मंथन करके अंतिम रूप में पैनल तैयार कर लिए हैं। अधिकांश सीटों पर एक नाम है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दो नाम या हो सकता है किसी किसी सीट पर तीन नाम भी है। तो बहुत ही स्वस्थ वातावरण में, हेल्दी वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, ये उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के लिए और उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। सर, जो पहली लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि कल शाम या परसों सुबह तक हमारी पहली लिस्ट आउट हो जाएगी। क्या जो वो एक फॉर्मूला चल रहा था कि एक परिवार से एक टिकट, क्या वो फॉर्मूले के मद्देनजर ही? अभी तक उसी फॉर्मूले के मद्देनजर कार्य हुआ है और इसके अलावा अगर कहीं पर कुछ बात है तो हम हाईकमान के साथ उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ ज्योति सिंह, A1TV।